بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق بالحق لتحكم بين الناس بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما عن أبي الدرداء رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال الله تبارك وتعالى أنا الله لا إله إلا أنا مالك الملوك ومالك الملوك قلوب الملوك بيدي وإن العباد إذا أطاعوني حولت قلوب ملوكهم عليهم بالرحمة والرأفة وإن العباد إذا عصوني حولت قلوبهم بالنقمة والسخطة فلا تشغلوا أنفسكم بالدعاء عليهم ولكن اشغلوا بالسكر والتضرع كي أكفيكم رواه أبو نعيم أو كما قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا سلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين حمد و ثناء بعد انتہائی واجب القدر والاحترام تشریف فرما مفتیان عظام علماء سیوکار قراء و حفاظ کرام تحریک لبیک پاکستان ڈویژن سرگودا ضلع میاں والی خصوصاً احمد آباد اور آس پاس دے تحریک دے ذمہ داران عہدے داران و کارکنان محبین و معتقدین تشریف فرما جمیع بزرگوں اور نوجوانوں دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ تمامی احباب دی تشریف آوری کو بندہ احقر اور افقر دی حاضری کو بانیان پروگرام محترم بھائی محمد سلیم آپ دے برادران و اہل پردہ و اہل خانہ دے جمی خرچ کردہ رزق حلال کو برائے ایصال ثواب این پروگرام کو اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ وچ شرف قبولیت عطا فرماوے محترم بھائی قاری محمد زبیر رحمہ اللہ تعالی جنہ واسطے چہلم چالیسویں دا پروگرام ہے اللہ تعالیٰ انہاں دے مراتب کو درجات کو بلند فرماوے اور انہاں دی قبر کو اللہ تعالیٰ جنت دا باغ بناوے
असा हाजरीन दे भी गुजर गए कलमा गो खानदान दियां कबरां अल्लाह ताला रोशन फरमावे असा को जिंदगी इस्लाम ते और खात्मा अल ईमान अल्लाह रब्बुल इज्जत नसीब फरमावे। असदाने गिरामी यकीनन हर दिल को चाहत और हर अख को इंतज़ार है एक अजीम हस्ती यानी कायदे मिल्लत इस्लामिया जिगर गोशाए अमीरुल मुजाहिदीन और अक्स अमीरुल मुजाहिदीन हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज साद बिन खादिम हुसैन रिजवी दा इंशाल्लाह आप तशरीफ फरमा थी वेसन कुछ देर बाद सैयद मोहम्मद जवाद शाह साहब दे हुकुम दी तामील और तकमील बंदाए अहकर बतौर सबक कुछ गाली सुनावन वास्ते हाजिर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह आलिया दे अंदर दुआ है अल्लाह ताला कुरान व सुन्नत दी रोशनी विच मैं को सही माना सबक सुनावन दी वाला संसारे को अल्लाह ताला मरदे वेले तक कुरान व हदीस ते अमल दी तौफीक अता फरमावे। असीदाने गिरामी पंजवा सिपारा कुरान पाक दा और उंदा तेरवा रुकू सूरा अन्निसा रुकू उंदा सोलवा आयत नंबर 105 को तिलावत करन दी सादत नसीब थईए। मिश्कातुल मसाबी जिल्द सानी सफत 323 तो अबू नुएम दी इखराज करदा हदीस पाक जेंदे रावी इन सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हो उस हदीस पाक दे मुकद्दस कालिमात भी तिलावत कीतन अल्लाह रब्बुल इज्जत दी बारगाह आलिया दे अंदर दुआ है अल्लाह वहदहु ला शरीक मैं को सही माना सबक सुनावन दी वाला ससारे को अल्लाह ताला मर्द वेले तक कुरान व हदीस ते अमल दी तौफीक अता फरमावे। असदाने गिरामी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पंजवें सिपारे कुरान पाक दे तेरहवें रुकू सूरह अन्निसा रुकू सोलवा आयत नंबर 105 दे अंदर इरशाद फरमाए इन्ना अनसलना इलैकल किताबा बिलहक बेशक असा नाजिल किते महबूब तेरी तरफ किताब को नाल हक दे ले तहकुमा बैनन्नास ताके तुसा महबूब हकूमत करो लोगां दे दरमियान बिमा अराकल्ला उस कानून दे मुताबिक कि जड़ा कानून अल्लाह ने तुहा को दिखाए फला तकुन लिल खाइनीना हसीमा और महबूबा तुसा खाइनीन खियानत करन वाले बद उनवान लोग करप्शन करन वाले और माली लिहाज ना लूट मार करन वाले लोगों का साथ छोड़ दो और तुसा साथ देऊ भी ना। यही लफ्जी माना कि जरा आपने समात कीता बतौर सबक आप दोबारा इस पाक आयत दे मफहूम को समात फरमाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंज़ाल किताब यानी नुज़ूल कुरान दी वजह सबब इल्लत रीजन को खुदा ने इस पाक आयत बयान की थे फरमाए इन्ना बेशक असा अनज़लना असा इंज़ाल कीते उतारिए लहाए नासिल कीते किताब को महबूबा तेरी तरफ नाल हक दे क्यों किताब दिती है फरमाए ले तहकुमा बैनन्नास मैं खुदा चाहता महबूब हकूमत तय मुस्तफा भी होवे कानून मेरे कुरान दा होवे। खुदा ने कुरान क्यों लिते हकूमत मुस्तफा करें कानून कहता होवे सारे अलेंदे हो बिमा अरा कल्ला मुराद कुरान है यानी महबूबा मैं रब ने तो किताब लिती है मैं खुदा चाहता हकूमत तय मुस्तफा भी होवे कानून मेरे कुरान दा होवे। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस कुरान को महज चुमन वास्ते नहीं लिता साकू ये कुरान पाक महज चुमीजन वास्ते या महज बरकत लेवन वास्ते नहीं आया और इदा मकसद फकत तिलावत नहीं इदा मकसद फकत तफसीर पढ़न नहीं असल कुरान दे तशरीफ घिन आवन और इदे नुज़ूल ते अल्लाह दे इंज़ाल दा मकसद
हकूमत मुस्तफा की हो, कानून अल्लाह दे कुरान दा हो। कुरान पाक किस मकसद वास्ते है? ताकि हकूमत, हुक्मरानी, सल्तनत, शाही और बादशाही वो कुरान और सुन्नत के कानून के मुताबिक हो। और कुरान दे ला तकुन ई वक्त हर कलमा को इत मुखातब है। कुरान दे ईमान वाले जेड़े लोग माली लिहाज न लूट घसूट लूट मार करें दन, खियानत करें दन, करप्शन करें दन, जिन्हें दा मकसद पैसा चावन, खुद खावन, लुकावन और पैसे के अंदर खुर्द बुर्द करना होवे, कुरान दे ऐसे बंदे दा साथ छोड़ दे। चाहे वह लीडर है, चाहे वह MP है या MNA, जो भी उनके कोल ओहदा है, जिनका मकसद होवे कि पैसे खुद खावा, मड्डी बनावा और दौलत हासिल करा, और गरीबे का माल, बैतुल माल का हिस्सा, गरीबे का हिस्सा जरा बंदा खुद खावना चाहते, पैसा लुकावना चाहते, करप्शन करना चाहते, कुराना दे ऐसे बंदे का साथ छोड़ दो। ऐसे बंदे नाल ताल्लुक वासिता राबिता मुनकते कर दो। ला तकुन लिल खाइनीन खसीमा, कि तुसा खाइनीन वास्ते खसीम ना बनो। असीसो और बसुर को यही पाक आयत, जिस आयत ने वासे दसे कि कुरान पाक दे आवन का मकसद महस चुमीचन नहीं, इंदे आवन का मकसद है कि हर फैसला हकूमत दा कुरान और सुन्नत दे मुताबिक होवे। और चलते हैं छेवां सिपारा कुरान पाक दा, छेवें सिपारे दा 11वां रुकू सूरह अल माईदा, रुकू दा 7वां, आयत नंबर 44, 45 और 46 दे आखिरी आखिरी कलिमात, फमल्लम यहकुम बिमा अनसलल्लाह फौलाएक हुमुल फासिकून, और जिसने ना कीती हकूमत उस कानून के मुताबिक के जरा अल्लाह ने उतारे, ये लोग ही फासिक हैं। फमल्लम यहकुम बिमा अनसलल्लाह, और जिसने ना कीते फैसले उस कानून के मुताबिक के जरा अल्लाह ने नासिल कीते वो कानून, फौलाएक हुमुल जालिमून, वो लोग जालिम हैं। और आयत नंबर 44 क्या आती है? फमल्लम यहकुम बिमा अनसलल्लाह फौलाएक हुमुल काफिरून, अते जाए ना कीती हकूमत मुताबिक कुरान दे बंदे ही काफिर। कह फरमाए जाए ना कीती हकूमत उस कानून दे मुताबिक कि जरा अल्लाह ने उतारे, मतलब कुरान पाक असारे वास्ते। वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह, अगरचे बाकी तौरात इंजील वास्ते बाता हन और अहले तौरात अहले इंजील वास्ते ये पाक आयत, वमल्लम यहकुम बिमा अनज़लल्लाह ये आयत है, हिस्सा असारे वास्ते हुजूर दे नौकरे दे गुलामे वास्ते। कुरान दे जेड़ा बंदा हकूमत तो करे पर कानून कुरान दे मुताबिक ना करे वो बंदा ही काफिर। जनाब मैं आकर बेकार और उलमाए किराम तहरीक लबैक दे लोग तेरे को पैसा और दुनिया कोठियों और बंगले ते कारा ते गड्डियां नहीं चाहते, असा चाहते हकूमत भी तुसा करो पर वास्ता ही वे कुरान दा करो कुरान दे मुताबिक। जिवें रब फरमावे ना, तुहारा हर फैसला हर हुक्म तुहारा कुरान और सुन्नत कानून के मुताबिक होना चाहिए। असा कलमा को मुसलमान है, फकत कुरान को असा चुमना नहीं, असा खोलना भी है, और जीवे कुरान फरमाए असा मनना भी है, मनवावना भी है, और जीवे कुरान कानून दे भी उनके मुताबिक असा हकूमत को चलावना भी है। और अक्सर लोगों के दिमाग में गाल पारित की है जी इस्लाम तो प्यार से फैला है, इस्लाम तो अमन से फैला है। जरा बंदा आखे ना कि इस्लाम फकत प्यार नाल फैले वो कुरान का मुनकर है। जरा बंदा आखे ना इस्लाम कहने नाल खिंडे प्यार नाल महस तबलीग ते प्यार नाल वो बंदा कई आयात का मुनकर ते काफिर है। हुण समझो गौर नाल, इस्लाम के अंदर प्यारी वहवा है, जुल्मी ते जुर्मी वास्ते मारी वहवा है, किरान काफिर गुस्ताख वास्ते तलवार भी अलवाओ इतराए गाली। इस्लाम के अंदर प्यारी वहवा जुल्मी जुर्मी मुसलमान वास्ते मार भी वहवा, और काफिर वास्ते गुस्ताख रसूल वास्ते त
तलवार भी तिरने बातें दा सबूत हासिल करो। चौदवा सिवारा कुरान पाक दा और उन दा आखरी रखो सूरे अन्नहल रखो आखरी उद्दो इला सबील रब्बे कबील हिक्मा फल मौगिसा तिल हासना वचा दिल हूँ बिल्लती ही आसन। बुलाइए मुखातब अपने रब की तरफ मौगिसा हासना के साथ और हिक्मत के साथ। यह प्यार दी बोली और मार दी बोली के थे मार अठारवा सिपारा कुरान पाक दा और उदा सतवा रकू सूरत नूर रकू पहला आयत नंबर त्राए कुरान दे फल्लसीन शर्मून अल मोहसनात थुम लम शातू बि अरबात शुहदा फाचले दूहुम समानी न जल्दा फला तकबलू लहुम शहादतन अबदा वौलाए कहुमुल फासिकून। और ओ लोग जेडे बैद उते बलेम ने दिन इल्जाम ले दिन बोहतान बधे दिन वल अपनी गाल को चार गवाह में नाल साबित नहीं कर सकते। कुरान आते ऐसे झूठे कूड़े कासिब को बोहतान लावण वाले को पकड़ो फाचिल दो हम समानी ना जलता इस बंदे दी पुश्त और कांड दोते असी खले मारो फाचिल दो हम समानी ना जलता। कलमा पढ़दा मुसलमान होके कौन कलमा पढ़दा मुसलमान अगर कहीं दे इल्जाम लावे बोहतान बधे और कहीं दे खिलाफ हाथ के इज्जत का जुमला हलावे भला अपनी गाल को साबित ना कर सके कुरान दे इस बंदे को समझावन वास्ते बिस्तरे चा तबलीग ना करो इस बंदे को पकड़ो और इको बिछाओ फाचिल दू हम समानी ना जलता अस्सी कोड़ा इस बंदे की पुश्त और कांड ते मारो मार दसे करे कुरान जा कहना इस्लाम जी प्यारी वहवा है जुल्मी ते जुर्मी वास्ते मारी। ए आयत नंबर आई त्राए सूरह नूर दी सूरह नूर दी आयत नंबर दो उठा अस्सानिया तो वस्सानी फाचिले तू कुल्ला वाहिद मिनहुमा मियाता जल्दा के जानिया और जानी इन्हें जो हर एक अगर है गैर शादीशुदा तो सजा है कि हर एक नु सौ सौ कोड़ा मारो। कितना इस्लाम में मार है या कहना इस्लाम में मार है। चलते हैं छेवा सिपारा कुरान पाक दा कितवा छेवा छठा पारा और उनका दसवां रकू सूरे अल मायदा रकू उनका छठा छठे रकू दी चौथी आयत सूरे अल मायदा दी आयत नंबर 38 कुरान ते वसारे को वसारे का फक्ता उ ऐदिया हुमा जसा अम बिमा कासबा नकालम मिनल्ला। ईमान वालो जज्जो कासियो हुक्मरानो बादशाहो चोर मर्द चोर औरत जब चोरी करें फेथ ना दो रियायत ना दो वोटिंग सपोर्टिंग ताल्लुकदारी ना देखो फकता हूं अला ना हां फक दे काय फरमाए हाथ काट दो चोर ते चोर नहीं दे हुक्म कहता है ये प्यार दी बोरी है या मार दी इस्लाम में मार है या कहना प्यारी वहवा है जुल्मी जुर्मी वास्ते काले करतूते आने मुसलमान वास्ते मार भी अगर कोई भौंके खुदा को अंबिया को मलाइका को आसमानी किताबा को कुरान पाक को खुसूसन सादे पाक नबी दी जात को अगर कोई भौंके गुस्ताखी ते बे अदबी करे कुरान दे शाह यूहन्नबी जाहिदुल कुफार वल मुनाफिकिन फगलुस अलैहिम वमा वाहुम जहन्नम बेसल मसीर दहवा सिबारा से थर्ड लास्ट रकू 28 सिबारा रकू 22 सूरह अत-तहरीम रकू दूछा दूछे रकू दी आयत नंबर غالबा त्राए ए नबी मुनाफिके नाल और काफर नाल जिहाद करो ते जिहाद तस्बीह नाल होंदी या तलवार नाल। इस्लाम में प्यारी वहवा है बंदा बंदे दा पुत्र होवे तो प्यार वहवा चलते अगर होवे कलमा पढ़दा ते होवे सिर सड़िया वल मारी वहवा है अगर कोई भौंके खुदा रसूल को पीछे हुआ हदीस है मन सब्बा नबी शन मन सब्बा नबी शन फक्तनू हो और सरे की पट्टी दे शायर ने इको ही अंदाज बयान किया कि तू
वक्त दा इल्म ओ दीन होवे, तेरे हाथ च ते खंजर होवे, मुंह खोले ना गुस्ताख कोई, तेरा हर गुस्ताख को डर होवे, उकु मारे पुरनम जग देखे, भावे हूं मलून दा घर होवे, गुस्ताख दा कतल जरूरी है, भावे वक्त दा कवर नर होवे। समझ आ गई, यानी कि गुस्ताखे रसूल दी सजा क्या है? फक्तलू मन सब्बा नबीशन, जड़ा कहीं भी नबी को भौंके हदीस से देखो कोह के रख दो, जबा कर छोड़ो, कत्ल कर दो, उसी दे रहमन दे काबिल नहीं। मन सब्बा नबीशन, और शायर ने को इन अंदाज भी समझाए, वादे जड़ा पाक नबी ते हरफ आवे, जड़ा पाक नबी ते हरफ आवे, हर सोच भी सारणी पौंदी है, जना सिर तू पानी तार होवे, वल बेड़ी तारणी पौंदी है, ए एक मुमताज दी गाल है क्या, दस्तूरे शार जमाने दा, जना कुत्ता चित्ता थी वने वल गोली मारनी पौंदी। और शायर ने खूबसूरत अंदाज पैगाम लिते, वादे इश्क नबी दे जुर्म दे अंदर कैद मशक्कत खासी ने सो, हर बंदे को मोल घिन सफर, के तक मूछ उदासी ने सो, सुन गिनो अंग्रेज ते पुत्रो, जेकर कहीं गुस्ताखी की थी, हर बंदा ममताज निकल सी, कह को फांसी ने सो। जुर्रत ओ बहादरी, जुर्रत ओ बहादरी, क्या है बाकी जरा चुप्पी वे, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ये अक्सर मजमा अल्लाह जब बेशुमार 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 दीन आया ये बोली सुनी वे, आया आया आदन सी दीन है तो बिया वो दिखाओ कितने, ये भांगा ये आसाना ये तकबीरा ये हज ये उम्र ये एहराम ये तवाफ ये अपनी जा बचा है, पर नसा दीन पे आया हा हकूमत करने वास्ते वो कितने, दीन आए इस्लाम आए कुरान है, कहीं दी शाही होवे बादशाही, कुरान और सुन्नत के कानून दी बाला दस्ती होनी चाहिए, वो क्या ख्याल है कुरान पाक होनी ते हदीस पाक होनी, जो कानून दिते वो मनी जान दे दादे कहे नहीं, या तू मने दा ना या मैं नहीं मने दा, वजह क्या है? हजरत साहब असा महास नमाज रोजा हज जकात दीन वाला हिस्सा नहीं मनना, असाने वास्ते जरूरी है सारा कुरान, हुजूर दा सारा दीन पूरा इस्लाम, असाने वास्ते मशाले राह भी है, साने वास्ते जरिया निजात भी है, जिमें नमाज पढ़ते ही दीन दे मुताबिक, रोजा रखे दे दीन दे मुताबिक, जिमें एहराम पहनते ही दीन दे मुताबिक, जिमें हज करें दे दीन दे मुताबिक, उमें हकूमत भी कर दीन दे करनी चाहिए ना। खुदा ने जो इतनी बड़ी असीम किताब लिखी है उसका मकसद क्या, कि तुम्हारा हर फैसला कुरान के कानून के मुताबिक होवे। हुण वजह क्या है? कुरान हदे, हुजूर दा फरमान भी हदे कि मुसलमान दी शही सल्तनत रियासत हुक्मरानी शही और बादशाही कुरान और सुन्नत के कानून के मुताबिक होनी चाहिए। वजह क्या है कि हर फैसला कुरान और हदीस के मुताबिक क्यों नहीं पिया थींदा, बादशाह नहीं चाहते या तू नहीं चाहता, कोई जवाब दे सकते? असल तू नहीं चाहता,
हाफिदा कारिया पीरा सैयदा जाटा मजदूरा आलिमा शोदिया गोदिया सरदारा मलिका महारा चौधरिया खाना असल कुरान नाल तू मुखलस कह रहे। नाराज थी सो हक सच गाल दूते खुश रावना एन इबादत है। असल कुरान नाल हजरत तू मुखलस कह रहे। अगर तू चाहवे इस्लामी निजाम आसी निजाम मुस्तफा आसी जरा हदीस पाक समाज फरमा अबू नुएम ने इखराज की थे मिश्कातुल मसाबी जल्द सानी सवा त्राए सौ त्रेवी हदीस पाक है रावियन सैयदना अबू दरदा रदी अल्लाह तआला नु आ फरमाते हैं काल रसूलुल्लाह अल्लाह दे रसूल हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाए काल अल्लाह अल्लाह ताला ने फरमाया एक दिन हदीस कुदसी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया अनल्लाह ला इलाह इल्ला आना मैं ही अल्लाह हां सिवा मेरे भी माबूद कोई कह नहीं बरहक। क्या फरमाया सी अनल्लाह मैं अल्लाह हां ला इलाह इल्ला आना मैं ही माबूद हां सिवा मेरे भी इबादत दे लायक कोई नहीं। अगा सुन फरमाया कुलूबल मुलूक आना मालिकुल मुल्क फा मालिकुल मुलूक फरमाया बादशाहां दा बादशाह मैं तमाम मुल्कां दी सल्तनत और हुक्मरानी करन वाले वो सारे हैं मेरे जेरे तहत मा तहत। फरमाया कुलूबल मुलूक बादशाहां दे दिल बेशादी मैं खुदा दे दस्ते कुदरत अंदर है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने क्या फरमाया मैं बादशाहां दा बादशाह हाँ और तमाम बादशाहें दे दिल बेशादी मेरे हाथ च। फरमाए इन्नल इबाद जय वेले मेरे बंदे अता ऊनी जब मेरी इतात करे सन ताबेदारी करे सन हव्वल तो कुलूबा मुलूकहिम अलैहिम बिर्रहमा वर्राफा फल मैं खुदा हुना दे बादशाहें दे दिल नरम कर ले सा उन्हां दे दिल विच नरमी पैसा और उन्होंने दिल शफकत रहमत का मादा पैदा करे सा। फइनल इबाद जै वेले मेरे बंदे ईसा असौनी मेरी नाफरमानी करे सन हव्वल तो कुलूबहुम बिसख्ता वन नकमा या वन निकमा के जै वेले मेरे बंदे मेरी नाफरमानी करे सन वल बादशाह उन्हें को जालिम दे सा उन्हें को बादशाह जालिम और जाबिर दे सा। अगली गल फरमाया सामूहुम सू अल अजाब ओ हुना को दर्दनाक अजाब दे सन ला तशगलू अनफसकुम बिद्दुआए अलैहिम कलमा पढ़ दिया बादशाहें को बद्दुआई ना दे पसंद तो खुद की थी बादशाहें को चुनिया तो खुद दई हुन बद्दुआवा ना दे इशगलू अनफसकुम बिसिक्रे वत्तदर्रोए आजसी कर इनकी सारी कर तौबा कर मेरी बारगाह में रजू घेना तू तौबा कर बादशाह चंगे मांगते को चंगे रेसा बादशाह सोने मांगते को सोने रेसा पर आ मेरे दर ते असल तू तौबा कर बुरे कमा करो बुरे अमला करो फालते को बादशाह चंगे रेसा तो जब मेरे बादशाह सा खुद गोले हैं कहीं को कहीं पड़े बिस्मिल्लाहिर्रहीम समझ आ गई उसे ये काहे पसंद की दिन असं की दिन भी काहे की दिन पाकिस्तान दा मन्या मनाया सियासतदान होवे और वो सदर भी रह चुका होवे तो पढ़े बिस्मिल्लाहिर्रहीम क्या पढ़े सी बिस्मिल्लाहिर्रहीम जी दस आज ना बिस्मिल्लाह धब चला दे ते को घ्यू 100 रुपए किलो मिल सही नाराज सी गई। और कहीं पढ़े ला इलाह इल्ला वो इल्ला दी चढ़ाई नहीं चढ़ सकिया ते को चीनी 20 रुपए किलो मिल सही जन कलमे का ये हाल है। और भैया वो मर गए छे पड़े देखते कुल वाला भला ही नहीं आया और भाई पड़े इन्ना आतैना कल कौसर फसल ले ले रब्बे का वनहर सादा कल्ला होला सीन तो जे मैंने सूरे कौसर अधी बचिला थी क्या ख्याल है तेरे तेरे वास्ते बिजली का यूनिट 5 रुपए हो से अदर सब असल दीन नाल ताई क्या कीते बादशाह खुद चुड़े नहीं सारी तेरी पर्ची है जरा पाकिस्तान को दी घूमेंदी जब तक तू दीन ना चासे कुरान नाल मुखलस न थी से उम्र तक खुदा दे कहर को बच सकता। हजरत हर बंदा अपने चक्रे में सोचने की गल है हर बंदा सिवा चंद दे हर बंदा अपनी सात नाल मुखलस है और हर बंदा क्या चाहते
ਦਿਲਹਾ ਸਿਲਹਾ ਕਾਰਖਾਨੇ ਮਿੱਲਾਂ ਮੋਗੇ ਪੁੱਲਾਂ ਥੰਬੇ ਖੰਬੇ ਸੋਲਗਾ ਸੜਕਾਂ ਸੈਵਰਜ ਖਾਲੇ ਨਾਲੇ ਆਬੀਆਨੇ ਪਟਵਾਰਖਾਨੇ ਥਾਣੇ ਇਹ ਯੱਕੇ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਚੱਲਸਨ ਦੀਨ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਚੱਲ ਸੀ ਤਾਂ ਨਰਾਜ਼ ਸੀ ਗਈ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰੇ ਵਿੱਚ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ ਜ਼ਰਾ ਗੱਲ ਹੀ ਸੁਣੀ 20 ਕਰੋੜ ਦੀ ਕੋਠੀ 2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਾਲਾ 30-40 ਦੁਕਾਨ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 5 ਮੁਰੱਬੇ ਜ਼ਮੀਨ ਅਜਨ ਵਿਆਹ ਦੇ ਜੀ ਅਗਰ ਹਮ ਆਪਕੇ ਸਾਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਏ ਤੋ ਹਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਬਾਲ ਵੇਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਦਾ ਮਰੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਛਿੱਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਅੰਧੇ ਕੋਠੀਆਂ ਹਨ ਬੰਗਲੇ ਹਨ ਕਾਰਾਂ ਹਨ ਡਾਲੇ ਹਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਹਨ ਆਮਦਨੀ ਹੈ ਮੁਰੱਬੇ ਹਨ ਜਦਾਦਾਂ ਹਨ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੈਂਚਾ ਕੁਹਾੜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹਨ ਜੀ ਹਮੇ ਕਿਆ ਮਿਲੇਗਾ ਕਿਉਂ ਯੱਕਾ ਤੇਰਾ ਖਾਨਦਾਨ ਮੋਇਆ ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣਿਆ ਸ਼ਾਲਾ ਮਰੀ ਖਾਨਦਾਨ ਕਿਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਘਰ 7 ਬੇਟੀਆਂ 9 ਜਵਾਨ ਹਨ ਤੇ ਜਹੇਜ਼ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਸਵੇਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦਾ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ ਕਿਰਾਇਆ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਲੇ ਦੇ ਦਵਾ ਦਾਰੂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਿਆ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਾਏ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰੇ ਵਿੱਚ ਕੁੱਕੜ ਕਾਛੇ ਪਾ ਕੇ ਵਧੇ ਹੈ ਸਹੀ ਅਗਰ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੜ ਵਜੂੰ ਸਾਗੂ ਕਿਆ ਦੇਸ ਜਿਵੇਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਖੇਲਣੀ ਹੋਵੇ ਪਹਿਲੇ ਤੂੰ ਪਿੰਨ ਖੇਲ ਸ਼ਾਲਾ ਪਿੰਦਾ ਮਰਾਂ ਅਸਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਤੂੰ ਮੁਖਲਸ ਕਹਿ ਨੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਚੱਕਰੇ ਵਿੱਚ ਇਲਜ਼ਾਮ ਨੇ ਸੀ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਲਵੀ ਸੁਣਨ ਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਹਾਫਿਜ਼ ਸੁਣਨ ਆਲਮ ਸੁਣਨ ਕੋਈ ਅੰਦਰ ਹਲਦਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖੜਕਾਵਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਆਉਂਦਾ ਅਰਸੇ ਮੈਂ ਮਨੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਹਾਂ ਪਰ ਹਰ ਮੁਫਤੀ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਰ ਕਾਰੀ ਹਰ ਆਲਮ ਹਰ ਫਕੀਰ ਹਰ ਨਾਤ ਖਾਂ ਬੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਆਦੇ ਨਾਤ ਖਾਂ ਸੁਣਨ ਕਾਰੀ ਸੁਣਨ ਆਲਮ ਸੁਣਨ ਮੁਫਤੀ ਸੁਣਨ ਮਨ ਮਨੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੋ ਹਲੇ ਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਹੁਣ ਸੁਣ ਵਜ੍ਹਾ ਕਿਆ ਹੈ ਵਜ੍ਹਾ ਇਹ ਅਯਾਸ਼ੀ ਬਦਮਾਸ਼ੀ ਔਰਯਾਨੀ ਫੁਹਾਸ਼ੀ ਲੋਫਰ ਲੁਫੰਗਾਪਨ ਗੁੰਡੇ ਗਰਦੀ ਇਸਤੇ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸੂਦ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੇਹਯਾਈ ਤੇ ਦੱਲੇਗੀਰੀ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਇਹ ਤਕਰੀਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੇ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਰੇ ਨਾਲ ਮੁੱਕਦੇ ਲਿੱਤਰ ਆ ਦੇਈ ਛਿੱਤਰ ਆ ਦੇਈ ਧਿੱਗਾ ਆ ਦੇਈ ਖੱਲਾ ਆ ਦੇਈ ਸੋਟੀ ਆ ਦੇਈ ਸੋਟਾ ਆ ਦੇਈ ਡਾਂਗ ਆ ਦੇਈ ਡਾਂਗਰਾ ਆ ਦੇਈ ਬਾਂਸ ਆ ਦੇਈ ਇਹ ਸੇਰੂ ਆ ਦੇਈ ਪਾਵਾ ਆ ਦੇਈ ਬੱਜ ਆ ਦੇਈ ਫੇਲਣ ਆ ਦੇਈ ਚੰਨ ਕਿੱਥਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਰਾਤ ਆ ਦੇਈ ਜਾਂ ਮੌਲਾ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਈ ਕਿਆ ਆ ਦੇਈ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਬਣਦੇ ਨੇ ਤੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸਾਰੀ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰ ਬਿਸਤਰੇ ਚਾ ਜ਼ਾਕਿਰਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਅਹਲੇ ਹਦੀਸ ਦਰਸੇ ਹਦੀਸ ਰੇ ਸੁਨੀਆਂ ਤੂੰ ਤਕਰੀਰਾਂ ਕਰ ਕੁਰਾਨ ਹਦੀਸ ਤੇ ਦਰਸ ਰੇ ਬੁਰਾਇਆਂ ਬੇਹਯਾਇਆਂ ਇਹ ਤਕਰੀਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦੀਆਂ ਇਹ ਲਿੱਤਰ ਛਿੱਤਰ ਤੇ ਭਤੀਰੇ ਨਾਲ ਡਾਂਗੇ ਤੇ ਸੋਟੇ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਕੁਰਾਨ ਆਹਦਾ ਆਵੇ ਉਵੇਂ ਡੰਡਾ ਚਾ ਡਾਂਗ ਚਾ ਵਿਛੇਂਦਾ ਜੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੁਰਾਈ ਨਾ ਮੁੱਕੇ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਹੈ ਅੱਲਾ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੋ ਇਹ ਬੁਰਾਇਆਂ ਬੇਹਯਾਇਆਂ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕ ਜਾਏ ਮਾਰ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਕੋ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ ਇਹ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਕੋਲ ਆਓ ਨਾ ਹੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਫਤਿਹਪੁਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾਂ ਸਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਆਉਂਦੇ ਕਿਆ ਆਉਂਦੇ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੀ ਟਾਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਟਾਲ ਟੈਕਸੀ ਚੁੰਗੀ ਜੋ ਵੀ ਆਦੀ ਟੂਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਜਿੱਥੋਂ ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਸਪੀਡ ਭਰੇ ਕਰ ਆਉਂਦੇ ਉਚਾੜਾ ਦੇਈ ਜੰਪ ਆ ਦੇਈ ਉੱਚੀ ਜਾ ਦੇਈ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਸਪੀਡ ਭਰੇ ਕਰ ਉਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੋਏ ਗੱਡੀ ਵਾਲਿਆ ਰੇਸ ਤੂੰ ਪੇਰ ਚਾਹ ਬਰੇਕ ਤੇ ਪੇਰ ਦੇ ਜ਼ਰਾ ਕਰੀਬ ਥੀ ਪੈਸੇ ਦੇ ਤੇਰੀ ਸਿੱਕੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਬਾਕੀ ਤੇਰੀ ਜ਼ਿਆਰਤ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰਨੀ ਕਿਆ ਦਿੱਤੀ ਵੰਜ ਪੈਸੇ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਖਿੰਦੇ ਬੈਠੇ ਟੂਲ ਪਲਾਦਾ ਜਿੱਥਾਂ ਉਹ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿਆ ਆਉਂਦੇ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਆਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੋਨ ਮਕਸਦ ਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਸ ਤੂੰ ਪੇਰ ਚਾਹ ਰਫਤਾਰ ਅਹਿਸਤਾ ਕਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਜੈ ਵੇਲੇ ਗੱਡੀ ਟੂਲ ਪਲਾਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦਾਖਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੇ ਪਾਸੋਂ ਇੱਕ ਪਲਾ ਠਾਹਦੀ ਹੈ ਪੂਰੇ ਰੋਡ ਕੋ ਮਾਲ ਖਿੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਕਿਆ ਦੇਵੇ ਅਲਾਓ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੈਰੀਅਰ ਨਾ ਬੈਰੀਅਰ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਡਾਂਗ ਹੀ ਕੋਸ ਆ ਦੇ ਤੂੰ ਕਿਆ ਦੇਵੇ ਛਿੱਤਰ ਉਹ ਛਿੱਤੋ ਰਾ ਦੇਵੇ ਛਿੱਤਰ ਆ ਦੇਵੇ ਡੰਡਾ ਆ ਦੇਵੇ ਇਹ ਹੁੰਦੇ ਇਹ ਕਿਸ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਬਗੈਰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੰਜੇ ਨਾ ਔਰ ਨਹੀਂ ਡਾਂਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਓਏ ਅਗਰ ਪੈਸੇ ਨਾ ਨਹੀਂ ਧੋਣੀ ਤਾਂ ਇੱਡੇ ਨਾ ਮੇਨੇ ਤਾਂ ਲੂ ਹੱਥਾਂ ਇਵੇਂ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਅਗਰ ਸਪੀਡ ਬਰੇਕਰ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪਰ ਉਹ ਡਾਂਗ ਵੀ ਇਹ ਕਾਰ ਵਾਲਾ ਰੁਕਦੇ ਭਾਵੇਂ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਕੋ ਬਿਲਾ ਦੇ ਭਾਵੇਂ ਸਰਦਾਰੀ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਸ਼ਬਾਸ਼ ਕੋ ਭਾਵੇਂ ਪੀਰ ਕੋ ਬਿਲਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਮਿਲ ਸਨ ਇਮਰਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਮਿਲ ਸਨ ਪੀਰ ਦੇ ਮੂੰਹ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਜੱਡਣ ਵੀ ਮਿਲ ਸਨ ਇਹਦਾ ਮੂੰਹ ਹੋਈ
समझी गल या कहना, अगर डांग भी ना हो, डंडा भी ना हो, स्पीड ब्रेकर ना हो, कार लाई थी छत ला घेर ले सी रेस, ये धूं मेडा छप्पे हूं रुकना, ये कहीं नहीं बरकत है इवें है जा को ना डसा तेरे 30 रुपए की खातर डंडा जरूरी है ते सौरा थी के फिटे नोह नाल कुत्ते वास्ते डंडा जरूरी नहीं, देर थी के भाभी की इज्जत का उजाला करे क्या डंडा जरूरी नहीं, चोर चोरी करे, डाकू डाका मारे, गासब गसब करे और कातल कतल करे क्या सजा जरूरी नहीं, सजावा खुद नहीं बने दे कसूर मौलवी का, तकरीर सुनते हैं मौलवी की असर नहीं थी ना, असर थी पर सारे को पुरजा कह रही नाराज सी गई हजरत साहब सजावा कर दे नाफिस क्या बात है, इतने प्यारा नारा असारी बख्शे दा सहारा ते अहमदाबाद दे लोगों के बारे में एक रुबई इन्हां दी हौसला अफजाई वास्ते पढ़ना चाहना शायरा दे असा आम निसे ना आम समझ लबैक अखे सो रोक लिखा समझी रुबई को बड़ी खूबसूरत असा आम निसे ना आम समझ लबैक अखे सो रोक लिखा साकू फैर दिया धमकियां ना दे तू तेरे फैर झले सो रोक लिखा साढ़े तीन ते हर्फ ना दे सकसे साढ़े तीन ते हर्फ ना दे सकसे ई पहरे देसू रोक लिखा साडा जज्बा रिसवी वांग ही वी मैदान सजे सो रोक लिखा सारे कुछ बुजुर्ग और नौजवान रुसे हुए जड़े रुसे वधे ना रुसना देवे ना रुस वजना रुसे हुए बुजुर्ग नौजवान आदन सी नारा मारू आ पर हुण सियासी बन गए मगे भल वे ताए बने परो बने आदे लबैक दा नारा मारू हाँ पर हुण क्या बन गए सियासी मने दा मैं नारा सियासी बन गए ते जिने दे नारे तू मरे दे हुने कोलो झिक आए उच्चा है जिने दे नारे तू मरे दे क्या लबैक दा नारा उन्हें कोलो झिका या उच्चा कोई आके इमरान जिंदाबाद कोई आके सरदारी जिंदाबाद कोई आके शहबाज जिंदाबाद कोई आके नवाज जिंदाबाद कोई आके बिलावल जिंदाबाद कसूर साडा है क्या सादे ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत ताजदारे खत्मे नबूवत जितने दुनियादार हैं जिंदा बाप हसनैन दा नाना ही सदा जिंदा सहरा दा बाबा भी सदा जिंदा बाप नबिया दा नबी रसूला दा रसूल भी सदा जिंदा लिहाजा नारा वज गज के ला तेरे दुनियादार इथाई जिंदाबाद वही है नहीं या कोई ना सारा महबूब उर्वार भी जिंदाबाद पार भी शायरा दे हुसूर दी असमत जिंदाबाद 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 फख्तलू हो माशाल्लाह खुशखबरी है कि वहाँ भजरा कायद मिल्लत इस्लामिया पहुँच चुके हैं इंशाल्लाह अन करीब पहुँचने वाले हैं रसूल अल्लाह लबै Rasulullah, the fire, the fire.
लिहाजा नारा बड़ा प्यारा नारा है। कुछ सारे बुजुर्ग नौजवान मोहतरस इतराज करने वाले पता क्या आदन सी, नारा भी चंगा है चसदा है प्यारा भी है, पर मौलवी है हाफिज़ है कारी है सैयद है पीर ए पग आले पगड़ी आले जुब्बे आले कुब्बे आले ए दाड़ी आले भला हिने दा क्या कम सियासत नाल इतराज करें दिया कोई ना क्या आदन सी दाड़ी आला है पग आला पगड़ी आला पटके आला जुब्बे आला कुब्बे आला दस्तार आला गुफ्तार आला मुसल्ले आला मेहराब आला जुम्मे आला ईद आला ये जनासे आला मौलवी इंदा क्या कम सियासत नाल। सवाल दा जवाब सुन पै करे खुलूसो वफा मंबाए चूदो अता मसहरे चूदो सखा वारे से मुसल्लाओ मेहराबो मिम्बारे मुस्तफा इमामुल आदलीन खलीफतुल मोमिनीन वल मुनसफीन इमाम बर हक खलीफे अव्वल बिला फासल सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 2 साल साढ़े 3 या 4 महीने आपने सियासत भी खुद की थी है हकूमत भी निसामत भी खिताबत भी हर 5 गाना नमाज मुसल्ले ते खड़ के इमामत भी ते जैमले सिद्दीक अकबर सही सियासत ते हकूमत करें दे हन क्या ख्याल है पैंट शर्ट पहन दे हन जवाब दे और ए जवाब ही दे ऊ हस्ती दा ना दस जेंदे रुके ते सुके दरिया वहां दे हन जरा खत लिख के हां ते मिस्र ते दरियाए नील भी जारी थी में दा जरा जलाल चा के धमकी रे वे हां चीता शेर ते नहर भी डर के खड़ रहा दा जरा जलाल चा के धमकी रे वे हां शराबी ते हाथ च बोतल शराब दी दुध बनदी है और ऊ हस्ती दा ना दस जैन दुर्रा मारे जमीन ते पीता होया तेल जमीन ने वापस की ते जैन दे साए ते पछावे तू शैतान रस्ता तब्दील करें दा ओ हस्ती है इमामुल आदलीन खलीफतुल मोमिनीन अमीरुल मोमिनीन खलीफा दुवम सैयदना फारूक आसम उमर इब्नुल खत्ताब रदियल्लाहु ताला अन्हु ने 10 साल कुछ निभाना 36 लाख मुरब्बा मील दोते आपने सियासत ही खुद की थी है हकूमत भी निजामत भी खिताबत भी मुसल्ले ते कर जुम्मे दी इमामत भी तो जैवले फरूक आजम सही सरकार सियासत ते हकूमत करें दे हन क्या ख्याल है तादी मुनवे दे हन नाराज थी गई साबू दा जवाब ने ना बड़ा ते कोई इतराज करन दा ना आंदे ए हस्ती है बई बई हस्ती का जिक्र भी सुन दामाद मुस्तफा दोहरे दामाद हुजूर दे पैकरे शर्मो हया मसहरे जूदो सखा हजरत उस्माने गनी पाक ने 12 साल सियासत भी खुद की थी है हकूमत भी निसामत भी खिताबत भी रमजान उल मुबारक दे अंदर तरावी खड़ के इमामत भी हजरत उस्मान ने नहीं होनी 12 साल तक सियासत ते हकूमत की थी अस्तगफुरल्लाह क्या टाई बधे बस मौलाए मुर्तजा उच्चाला मेरा फिरा मौलाए मुर्तजा शेरे खुदा आसदुल्लाह गालिब अली शेबने अभी तालिब करम अल्लाह वाचाहुल करीम ने 4 साल 8 महीने 9 निभाना 4 साल 8 माह 9 दिन अली पाक ने सियासत भी खुद की थी हकूमत भी पीरी मुरीदी भी उस्तादी शगिरदी भी और ईदैन दे विच आके मुसल्ले ते खड़ के इमामत भी तजमल अली पाक सही सरकार होनी सियासत ते हकूमत करें दे हन क्या ख्याल है आप अपनी पग लहा रखे दे हन या पगड़ी सिर ते होंदी आई हूं दसा असा पुछू तेरे को या तू सारी की चीज पाने मेरे ख्याल है तो बोली समझ नहीं आई हम पूछे आपसे कि क्या करने आए हो या आप पूछो कि हमसे कि हम क्या करने आए हैं शर्म नहीं भी आती आधे मॉल में ना क्या काम सियासत नाल जवाब दे सारे को क्या है कोई आइटम बम चाहिए बदे
सारे कोल क्या है, ये मिसवाक है, ये तस्बीह है, और नाल मतलब है कि खुशबू हो सी, नाल कंघी हो सी, और दस्तार तेरे सामने सिर ते खड़ी है दसा तैना हाँ कितों फतक दे खुशबू को लो। आधे मौलवी हाफे दे कारी इन्हें क्या कम सियासत नाल तेरे को परेशानी कंघी को लो है। तेरा हाँ खुशबू खुशबू को लो फतक दे तेरे को दौरा मिसवाक को लो पौधे या तेरे को जैन बिल्टे तस्बी को लो ओशाला बिल्टे वलेट नहीं दसा तेरा हाँ फतक दे पगड़ी को लो और तय को दौरा थी दे दहरी को लो सारे को लो क्या है ये चीजें हैं। बाकी असा को डाकू है असा को दहशतगर्द है दहशतगर्द ओ जरा खुद इस्लाम दुश्मन है असा दहशतगर्द नहीं असा हुजूर दे नौकर गुलाम सारे उते जितने जुल्म थे जितने छापे लगे घरना दिया चादर इस तरह इन्हें पामाल की दिन मसीते को ताले लगे जुम्मे बंद थे तरावियां रुके नमाज़ छुट्टे आसाना रुके नसा खुदा की में बदला की दे कि शायरा दे खाब सारे दलील थी गे खाब सारे दलील थी गे लम्हे बिल्कुल कलील थी गे जाए वसाए जुल्म दीन दारे थे साल नहीं गुजरा सलील थी गे शाकिरा दे हुक्मे सी इश जिंदाबाद फक्तुलू हो दीन आया फक्तुलू हो क्या बात है जान दे बाबा जी हाई कौन जरा समझाए बाबा जी हाई कौन। मैं पहले हदीस से पाक पढ़ा वालों का तर्जमा कर करा नबी सैवर में सैयद शुहदा अमीर हमजा फर राचोलन दाखला अला मालिक या इमाम जायर फर आमारा हुआ नहा या काली माता हकन कालहा इन द सुल्तान इन जायर। नबी सैवर में मैं नबी दा सक्का चाचा अमीर हमजा मेरी उम्मत दे तमाम शहीदा दा सरदार और फरमाया मेरी उम्मत दा ओ बंदा जरा जालिम ते जाबिर बादशाह दी अखे च अख पा के हक अलावे जरा जालिम ते जाबिर बादशाह को हक आके अमर भी करे नहज भी करे यानी आके सितम गर इधर हुनर आसमाए तो तीर आसमा हम जिगर आसमाए। और शायर ने क्या तर्जुमानी की थे वादे जाए जुल्म दी जोर अंधारी विच कोई कदम पिछू ते छिक्या नहीं जाए जुल्म दी जोर अंधारी विच कोई कदम पिछू ते छिक्या नहीं हर जालिम जाबिर हाकिम भी उन्दे अगू एक पल टिक्या नहीं जाए हर आफर ठुकरा छोड़ी पैसे को देखते सिक्या नहीं कई विक गए मुल्ला पीर सफर ही को रिज भी आ जड़ा भी क्या नहीं जान गई बुजुर्ग को हाई कौन शायरा दे सरकार दे रुख दे आशिक हन इन्हें जाना याद है या कोना सरकार दे रुख दे आशिक हन ना आशिक जर दे माल दे हन हाजाद जेको हाजाद हदीस कुरान जेको हाफिज दीवान इकबाल दे हन अख शेर वांगू मुह नूर जफर क्या पैकर होसन जमाल दे हन
जैंदी मौत ते गैरे रश्क किते ओ मालिक शान कमाल दे हन। और इन लबैक दे प्यारे नारे दे बारे जिंदाबाद 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 बेशुमार लोगों को परेशानी है ना, पीरां दे फकीरां दे तबीबां दे मखदूमीन दे और मखादीम दे नारे बंद थी गए। बाबे ने हिको नारा दिते ताज तारे खत्मे नबूवत लब्बैक लब्बैक शायरा दे हुसूर दी असमत दे नारे पहले तो ढेर बुलंद थी गए। इफाकी में गाल हुण तां दू साल दा बाल ही चस चवें दे उकु तराना ला दे ना तराना मोबाइल वड़े ते तराना लाओ बाल हाथ भी हले सी नारा ही सुने सी नाल दादे को सदे सी भाजाई दे रलो इवें है कोई ना शायरा दे हुसूर दी असमत दे नारे पहले तू ढेर बुलंद थी गए उवे शामिल थे तहरीक दे विच जड़े सही को लोग पसंद थी गए। कुफार शहूद हनूद दे सिर थी खायब खाक निहत थी गए लबैक दे आमन नाल सफर नू नंबर दुकाना बंद थी गए। स्टेज तो फरमाइश थे ये हुक्म है कि वो रुबाई दोबारा सुनाओ। शायरा दे ख्वाब सारे दलील थी गए ख्वाब सारे दलील थी गए लम्हे बिल्कुल कलील थी गए जाए वसाए जुल्म दीनदारे थे साल नहीं गुजरिया जलील थी गए शाला थी दे रासन ते नसलाई जलील थी सने इस्लाम सदा सर बुलंद रासी इस्लाम दी दा नारा ते हुजूर दी असमत नारा लगदा रासी। तो मैं हुना लोगों को एक पैगाम देना चाहना शाकिर शुजाबादी ने ऊ भी एक पैगाम दिते कि जिमें मैं को आन रुवाया ही इवें मैं वागू पल पल रोस है ते कुनी आख्या ऊ खरसेल को आखे जरा मसीह ते बूटे समय दाखिल थे कह नहीं समझ आए जरा मस्जिद के अंदर बूटे समय जुते समेत सादात औरतें को जिन्हें थप्पड़ मारे सादात औरतें को जिन्होंने घील के डाले में सट्टे और हुनाए को जाए आखे जाए जुल्म कीते जुल्म वसाए तय को कहानी भूल वैसे खुदा भूलता कहीं नहीं भी उनको बंद थया मसीदा भी याद उनको रुकिया तिलावता भी और रुकिया तरावियां भी याद कुरान हदीस ते मसीद दी बेहुरमती भी उनको आदे मौलवी फसादियन रोड ते आंदन हुण मरसे रोड ते समझे गालिया कोई ना कलंदारा अल्लाह इन्हें कलिया कलिया करके मार बाबा जी तो मसीद इंशाल्लाह इन्हें को जिल्लत और खुवारी मिल सी ताकि क्या समझे जो खुदा को गाली भूल वेंजन उनके साथ साल नहीं गुजरिया ई मड़के दे भार डटे लभदा ही नहीं बिया खुदा ते को डांग मारे सर इशाला लगी अल्लाह दे बंदे कुछ हया करो ना असा मौलवी ना क्या कसूर है तुसा क्या रोड बुलाक लोगे कह नहीं कीते तुहाड़ी खातिर थी सकते हुजूर दी इज्जत दी खातिर कुछ नहीं थी सकता तुहाड़े खिलाफ कोई बंदा अलावे और उदे खिलाफ फौरन एक्शन ते जरा कुत्ता हुजूर को भौंक दर आवे उनको कोई ना उदी गर्दन लहावे लिहाजा ये वक्त है नसा के और शाकिरा दे जी में मैं को आन रुवाया है इवें मैं वागू पल पल रोसे एक वारी रो के थक बासे तेरा दिल दुखसी तू वल रोसे ना दुखरे आन वंडेशा कोई ला कंधिया को तू गल रोसे यो शाकिर फर्क मियास दा है मैं आज रोंदा तू कल रोसे। हजरत साहब जुल्म ना कर और असा
मौलवी ए पीर सैयद आलम हाफिज तहरीक लबैक आए सारे पाकिस्तान के सारे इदारे सारे ना ये दुश्मन है ना सहिना दे दुश्मन है। हर शोभा हर महकमा हर इदारा पाकिस्तान का वो सारा इदारा है। साडा दुश्मन वो जरा सारे रब रसूल का दुश्मन है। साडा दुश्मन वो जरा कुरान का दुश्मन है। साडा दुश्मन वो जरा हजूर को भौंकते थे गुस्ताख है। बाकी सारे सारे भाई इन्ना मल मोमिनून इखवा के कलमा गो सारे आपस अंदर भाई भाई हैं। फकत अस मौलवी अस पीर सैयद आलम अस क्या चाहते हैं कि हकूमत भी तू कर सियासत भी तू कर पर वास्ता ही कुरान दा कर कुरान दे मुताबिक जे ना कर सके पीछे कुर्सी छोड़े सारे को कायद है पिया और याद रख सियासत जिमें पाक नबी से की है तो खुलाफाए राशिदीन की है ये सियासत बमाना इबादत है। सियासत ए नहीं जड़ी तू समझी बदई सियासत ए नहीं जड़ी तू समझी बने लिलाऊं कुछ निभारों कुछ पचादों कुछ पुआदों कुछ उभ्यो कुछ लम्यो कुछ जाहिर कुछ बातन कुछ अंदरों कुछ बाहरों कुछ कीता कुछ दिखाया कुछ इशारे कुछ किनाए कुछ रुवा रड़वा ढकवा बधवा परचे रिवा कुटवा दसी मनवा रात दे चोर भिजवा सवेरे पेरा चवा भला भूंगा मुकवा अधे पैसे जेब पा अधे पार पहुंचा किया माल चौखर डांडे वापस वलवा पिछे वाला डब्बा मिठाई दा खुलवा ते चिट्टी पगड़ी पा पिछे इश्तिहार खबर दिवा जो गए माल को किमें भलाए में अटैक थी भी हाँ में ता आप अगर ए सियासत है तो यजीदियत के कुआ दे अगर ए सियासत है लंदई के कुआ दे अगर ए सियासत है मुनाफकत के कुआ दे अगर ही तो ना सियासत है बेईमानी के कुआ दे सारी पट्टी दे शायरा दे रोस मसाए दा जेड़ा लोझे गाल धनामे गिद्धी बोझे माल दी कौन रखवाली करे चोर ते कुत्ता ही को कोजे। जनाब ए सियासत नहीं जरी तू करना चाहने सियासत ओ का जरी पाक नबी सी 10 साल तुम्हारे मेरे पाक नबी हजरत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 10 साल 2 महीने दिन या 9 दिन हुजूर ने जरी सियासत खुद की देना वो क्या है। सियासत अंबिया दा शेवा है नबिया रसूलों की एक असीम आ मतलब हुना दी दित्यो विरासत है। सियासत कर पर वास्ते ही कुरान के मुताबिक कर और तय मैं को गुजारिश है अपनी जात को छोड़ दे पर्ची दे जयकुड़े में उगाकता को पर्ची मुफ्त देना पर कितने मुजरा न थी वे। ट्रांसजेंडर एक्ट पाकिस्तान पास न थी वे पर्ची तक मुफ्त देना पर शराब की भट्टी ना चले इज्जत व्यापार दे अड्डे ना खुलन इतना चोर चोरी ना करे डाकू डाका ना मारे गासिब गसब ना करे कातिल कतल ना करे इतना अयाशी बदमाशी उरियानी फुहाशी लोफर लुफंगा बन गुंडे गर्दी इस दे व्यापार बेहई दे बाजार ये सारे बंद हर वेले नेकी दे बाजार खुले रहवन आप पर्ची घेन तक मुफ्त रहने तेरी पर्ची तक सोलंक निभा सकती है मर गए तेरी पर्ची का गुस्ताख को नहीं लटकवा सकते असल दीन नाल तू मुखलस कहने पर्ची देवन वाला असल कुरान नाल दीन नाल तू मुखलस कहने जे मैं तू चाहसे निजाम में आसी ये सारे तेरे दर तू पिंदन काउंसलर तेरे को पर्ची पिंदे वाइस चेयरमैन चेयरमैन एम पी एम एन ए सारे तेरे को पर्ची घिंदन ते 5 साल गुजरे न वाला जल असेंबली त्रुट दे वाले को आगू ले जिथा होने तू उ धरना दे तू हो से त्रुटा खटले ते उथई बासन तू हो से चटाई ते उते उथई ठासन तू हो से हलू हर ते आठे बज बनने ते उथई आसन काका ओ तैडो आया भाल वे काका हुकुम सुना जी सही डिठे वे भिरा थियो से किरे वंजन दे है एक बे कोलो टूटन दे है पर्ची घिरनी है तेरे कोलो टोर आया पर्ची दे वोट दे सही निभाई सही तेई को आग पर्ची दे गुरे ना करे से क्या पर्ची तक मुफ्त देना पर तक वास्ता है तेरे पाक नबी दा पाक ते आसानी तेरे जिम्मे जुम्मा ते ईद ते तकबीरा ते जनाजे भी ये की में मसला समझ आई बिल्कुल आखिरी पैगाम और आखिर जे रुबाई और इजाजत मनवावन मेरे अल्लाह दा काम है
ਦਸਾਮਣ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮਨਵੇ ਸੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮਨਵੇ ਸੀ ਮੜ ਕੇ ਬੰਨ ਕੇ ਮਨਵਾਈ ਵੇ ਸੀ। ਅਸਾਂ ਮੌਲਵੀ ਅਸਦ ਫਕਰ ਨੇ ਉਹਨੇ ਹੋਕਾ ਪੈਗਾਮ ਤੇ ਕਾਂਢਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸੁਣ ਇਸਲਾਮੀ ਮੁਲਕ ਚ ਮੁਸਲਮਾਨੇ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਾਕ ਨਬੀ ਸੀ ਕਿਆ ਫਰਮਾਏ। ਮਿਸ਼ਕਾਤੁਲ ਮਸਾਬੀ ਬਿਲਕੁਲ ਆਖਰੀ ਹਦੀਸ ਔਰ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਮਿਸ਼ਕਾਤੁਲ ਮਸਾਬੀ ਜਿਲਦ ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸਫ਼ਾ ਨੰਬਰ 100 ਕਿਤਾਬੁ ਸਲਾਤ ਬਾਬੁਲ ਇਮਾਮਾ ਫਸਲ ਅਵਲ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਹਦੀਸ ਹੈ। ਰਾਵੀ ਹਨ ਅਬੂ ਮਸਊਦ ਅਲ ਅਨਸਾਰੀ ਮੂੰਹ ਮਿੱਠਾ ਕਰ ਆਖ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹੁ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ। ਅਬੂ ਮਸਊਦ ਅਨਸਾਰੀ ਹਦਨ ਕਾਲ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਰਸੂਲ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਰਸ਼ਾਦ ਫਰਮਾਇਆ ਲਾ ਸ਼ਉਮਨਾ ਅਰ ਰਾਜੁਲ ਫੀ ਸੁਲਤਾਨਹੀ। ਨਬੀ ਸਰਮਾਇਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਾ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦੇ ਨਾ ਜੁੰਮਾ ਨਾ ਈਦ ਨਾ ਜਨਾਜ਼ਾ। ਜੁੰਮਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਈਦ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਵੇ, ਜਨਾਜ਼ਾ ਹੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ, ਤਰਾਵੀ ਵੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਜੀ ਤੇਰੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਇਹ ਹੁਣ ਕਹਿ ਕੋਈ ਪਸੰਦ ਕਰੇ ਨਹੀਂ। ਯਾਨੀ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਮਾਮ, ਕੋਈ ਖਤੀਬ, ਕੋਈ ਜਨਾਸੇਗਾ, ਕੋਈ ਈਦਗਾਹ, ਕੋਈ ਮਸਜਿਦ ਦਾ ਇਮਾਮ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾ ਸਕਦਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਨਬੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੈ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਵਕਤ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੋ ਆਖੋ ਮੈਂ ਨਬੀ ਆਹਦਾਂ, ਜੁੰਮਾ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਾ, ਈਦ ਵੀ, ਜਨਾਸੇ ਵੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਤਰਾਵੀ ਵੀ, ਈਦਾਂ ਵੀ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਉੱਚੇ ਤੇ ਦੀਨ ਝਿੱਕਾ ਹੈ? ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਉਹ ਚੰਗਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਸੀ ਗੰਦਾ ਉਹ ਹੈ। ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਬਾਦਸ਼ਾਹ MPIM ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਚੁਣ, ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਚੁਣ। ਔਰ ਤੂੰ ਇਤਿਹਾਦ ਤੇ ਇਤਫਾਕ ਚੱਕਰ ਇਹਨੇ ਸਾਰੇ ਕੋ ਦੀਨ ਤੋਂ ਆਉਂਦਾ ਦੇਖੀ। ਇਹ ਪਰਚੀ ਦੇਵਣ ਵਾਲੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਕਰੋ, ਕਿਆ ਕਰੋ, ਇੱਕ ਇਤਿਹਾਦ ਕਰੋ। ਅਭੀ ਪੂਰੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ MPA ਬਣਨਾ ਚਾਹਦੇ ਪਰਚੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੋ, ਪਰ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ। ਕਿਆ ਰੱਖੇ? ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ, ਸਾਵਿਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਤੇ ਬਾਂਗੀ ਖੁਦ ਰਹੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਤਰੇ ਦਵਾ ਮੁਨਵੇਂ ਦੇ ਛਿਲਵੇਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਸੁਣ ਸੀ ਸਵੇਰੇ ਦਾੜੀ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਤਰੇ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੈ ਕੋ ਗੁਲੇ ਸੀ ਚਾਚਾ ਬਸ਼ੀਰਾ ਫਿਰਾ ਵਾਹਿਦ ਬਖਸ਼ਾ ਦੇਖਾਂ ਕਾਫੀ ਜਾਵਾਂ ਡੇਵਾ ਨਰਾ ਸੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇ ਤੂੰ ਪਰਚੀ ਮੁਫਤ ਦੇਣਾ, ਪਰ MPA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਾੜੀ ਰੱਖਵਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਦੇਵੇ, ਬੰਦੇ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਬਣ ਕੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਆਸਾਨ ਈਂਡੇ ਸੀ ਤਹਜੋ ਦਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਨਾ ਕਰੇ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਵਟਾਵੇ। ਵੱਲ ਸ਼ਰਤ ਲਾ ਦੇ ਜਿਹੜਾ MNA ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਕਿਆ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ? MNA ਜਿਹੜਾ MNA ਦੀ ਪਰਚੀ ਖਿੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਪਰਚੀ ਮੁਫਤ ਦੇ ਸੋ ਪਰ ਸਾਗੋ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹਾਵੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੁੱਧ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸੀ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਕਦੋਂ ਫੋਨ ਕਰੇ ਸੀ ਬੁੱਧ ਹਾਰੀ ਜੀ ਹਾੜਕ ਸੀ ਆਹ ਪਹਿਲੇ ਜੁੰਮਾ ਪੜ੍ਹੋ, ਤੇਰੀ ਸ਼ਰਤ ਮੰਨਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਅਸਲ ਦੀਨ ਤੂੰ ਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕੋ ਭੁੱਲੀ ਨਾ, ਯਾਦ ਰੱਖੀ। ਹੁਣ ਹਦੀਸ ਸੁਣ, ਮੈਂ ਇਹ ਤੁੱਕਾ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਸਫਤ ਰਾਏ 123 ਮਿਸ਼ਕਾਤ ਜਿਲਦ ਸਾਨੀ ਨਬੀ ਸੇ ਫਰਮਾਇ ਕਮਾ ਤਕੂਨੂਨਾ ਕਜ਼ਾਲਿਕਾ ਯੁਅਮਰੁ ਅਲੈਕੁਮ, ਜੈਸੇ ਤੁਮ ਹੋਗੇ ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਡੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਹੋਏਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸਾਂ ਚਾਹਸੋ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਉਵੇਂ ਆਸਨ। ਹੁਣ ਦੀਨ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਕੁਰਾਨ, ਨਿਜ਼ਾਮੇ ਦੀਨ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਮੈਂ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਕਸਮ ਚਾਹ ਕੇ ਆਦਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਮੈਂ ਕੋ ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਰਾ ਸਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬਾਦਸ਼ਾਹੀ ਕਰੇ, ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸੁਣਾਵੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਡੇਕੂ ਸਾਰਾ ਹਾਂ ਠਰੇ, ਕਲੇਜੇ ਠਰਨ, ਔਰ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਕਰੇ ਸੀ ਹਕੂਮਤ ਦੀ, ਜਿਹਦੀ ਹਕੂਮਤ ਦਾ ਹਰ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਔਰ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹੋ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਗੜੀ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਬੂਟ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ। ਕਸਮ ਰੱਬੇ ਕਾਬਾ ਦੀ, ਸਾਗੋ ਆਜ਼ਮਾ ਵਸ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ, ਕੁਰਾਨ ਸੁਨਨਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਫਿਜ਼ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਰਸੂਲ ਫਰਮਾਏ ਹਕੂਮਤ ਉਵੇਂ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਬੇਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਟ, ਤੁਹਾਡੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਿਆ ਸਾਂ, ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠਕ ਦੇਰੇ ਵੀ ਸਾਖ ਦੀ ਮੈਂ ਖੁਦ ਬੌਕਰ ਅਤੇ ਬੁਹਾਰੀ ਰਹੇ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਨੌਕਰ ਹੋ ਸਾਂ, ਅਗਰ ਇਹ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖੂਨ ਮਾਫ਼ ਹੋ ਸੀ ਵੀ ਹੋ। ਸਾਖੋ ਹਜ਼ਰਤ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਇਹ ਬਹਾਵਣ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਨਿਭਾਵਣ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਆਖਰਤ ਦੀ ਖਾਤਰ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬਹਿ ਤੇ ਹਕੂਕ ਆਪਣੀ ਗਿੱਚੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਮਰ ਵਾਂਜੇ, ਪਰ ਉਹ ਸੌਖਾ ਹੈ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਸਾਖੋ ਕੁਰਸੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਕੁਰਸੀ ਵਾਲੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਖੋ ਫੈਸਲੇ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਚ ਕਰੇ ਅਸਾਂ ਨਾਲ ਹੈ।
चूंकि बाकी जितनी तहरीका हैं पाकिस्तान सियासी उन्हें अस सारे को देख चुके हैं कि वाहिद पकीजा और सोनी ए लबैक दे नारे वाली जी तहरीक है ना सारे उम्मीद हैं इंशाअल्लाह 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 निज़ाम मुस्तफा हासी निज़ाम कुरान हासी निज़ाम दीन हासी माशाल्लाह नारा आया 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 हूँ शायरा दे जे मुस्लिम ही कुछ गैरत कर तेरे मुल्क के दीन द क्या बच गए जे मुस्लिम ही कुछ गैरत कर तेरे मुल्क के दीन द क्या बच गए नामूस ए नबी ते ढाका पे बिया केड़ा फर्ज अदा बच गए पिया इस्ता विकजन सड़कें ते दस केड़ा शर्म हया बच गए जय हक द अलम बुलंद कीते उंदी खातर जुल्म जफा बच गए अल्लाह ताला असारे कायदे मिल्लत इस्लामिया को सुखसियत अपनी हिफ्ज अमान बख्शे तहरीक दे तमाम दोस्तों को बल्कि हजूर के सारे गुलामों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज अमान देवे ते सबको दीन आले पासे कुरान और सुन्नत दे कानून दी बाला दस्ती आले पासे खुदा सबको दिलो जान नाल खड़न दी तौफीक बख्शे मोहम्मद आजम साहब तशरीफ फरमा हुसैन एक तराना सुन दें तो बाद इंशाल्लाह नकीब महफिल उसने तरतीब नाल आपको इस प्रोग्राम दे चलावण दे बारे आगाही भी रेसन मेहमानान को दावत खिताब भी रेसन।